12 दिसंबर को हम लोग खाटू श्याम जी मंदिर में सेवा कर रहे थे। सेवा करते समय एक लिफाफा मुझे सफाई करते हुए मिला और उस लिफाफे को जब मैंने थोड़ी देर बाद खोला तो उसमें एक ऐसी पत्रिका मुझे मिली जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक ऐसा दर्द छुपा हुआ है कि एक प्यार करने वाला ही उसे समझ सकता है। जो लोगों को किसी जिस किसी को जिंदगी में प्यार हुआ है वही इसे सुने, बाकी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट्स दिखाता हुआ आपको समझाता हुआ समझाऊंगा। पहला पन्ना ये हमने खोला है, इसमें लिखा हुआ है जय श्री श्याम बाबा की हरे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। ये प्रेमिका ने जिसे ये पत्र लिखा है, इसके लिए पत्र लिखा है, आज उसका बर्थडे है, उसने लिखा है हैप्पी बर्थडे 2022। थोड़ा सा जोर से अगले पन्ने में जोर से बोलो शिवम भाई। वो लिखती है मेरे मोटे क्या तुम्हें याद है ये तुमने मुझे कब दिया था, अगर नहीं याद तो फिर कोशिश करना उस प्यारे से मोमेंट को फिर इसे याद करना। कि उसने यहाँ पर कुछ चिपकाया होगा ये देखिए, उसके बाद उसने इसे हटा दिया, क्या सोच के हटाया या वो इसको रखना चाहती थी। अगला उसने पन्ना देखो कितना प्यारा लिखा है, मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। एक लाइन लिखी उसने, काटा काटा ना था जो निकल गया, गजल ना थी गजल ना था जो खो गया, लिखा है दिल से ये तेरे, तू ही है मेरी मैं हूँ तेरा। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना है कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं, नाम बचा के तू कहती है दुआ नहीं कोई और है। तूने ही थोड़ी हिंदी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, तूने दी थी ये अंगूठी, वो कहती है कि तू है झूठी, यूं तू मुझे पहचाना नहीं, जाना नहीं मैं अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, ठिकाना नहीं दीवाना हूँ दीवाना नहीं। ये गाना तुमने मुझे सुनाया था जब हम पहली बार मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे बैठ कर सॉन्ग सुनाते हो, तुम्हारा वो सॉन्ग फिर वही हंसना मेरे सामने, वही मैं फिर देर डर गई से ओदा नाल पूछ के मुड़ आना, यही सॉन्ग सुनकर मुझे प्रपोज किया, यही सॉन्ग सुना के आपने मुझे प्रपोज किया था, याद है मोटे या फिर टेंशन में भूल गए हो। उससे अगली लाइन वो देखो क्या लिखती है, हैप्पी बर्थडे, टुडे इज योर बर्थडे, आई होप दैट ईच दैट एवरी वन ऑफ योर विशेज कम देन, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये पहला गिफ्ट उस लड़के ने लड़की को दिया था, ये देखिए आप उसके थोड़ा ज़ूम कीजिए, गणपति का है। उसके बाद अगला पन्ना हम देखते हैं, उसमें बहुत ही प्यारी दिल को छू जाने वाली लाइन पहले मैं कहूंगा, आप इस पर फोकस कीजिए, और बड़ी प्यारी सी लाइन लिखती है, वो कहती है मेरे प्यारे मोटे ये याद है कब दिया था, और इस रोज के साथ पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट और चॉकलेट भी दी थी तुमने, देखो कितना पुराना हो गया है रोज भी, और हमारा प्यार रोज नया होता जा रहा है। इस प्यार के लिए इस दर्द इस गुलाब को देख के लगता है कि कितने संभाल के रखा था उसने। उससे अगला पन्ना जब हम खोलते हैं, उसने ब्रेसलेट दिया हुआ है लड़के ने लड़की को फ्रेंडशिप डे पे दिया होगा जहाँ तक है। उससे अगले पन्ने में लिखती है तुम्हारे बच्चों जैसी मेरी केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, केयर तुम मेरी आज भी करते हो और हमेशा करते रहोगे ऐसा विश्वास है मुझे। उसके बाद देखो ये भी आप देख लो ध्यान से, इसके बारे में मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। ये पहला उसने लॉकेट उसे दिया है लड़की को, शायद जी से जो है लड़की का नाम आता है, GML उन्होंने कोड वर्ड लिखा हुआ है दोनों ने, AML और GML, ठीक है। अगला हम जब नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कुछ उसने अपनी फीलिंग्स को लिखने चाहा, शायद नहीं लिख पाई या हटा दिया, ये वो ही जानती है। उसके बाद देखो एक मास्क लगा हुआ है पेज पे, और वो क्या कहती है इसके लिए, याद है मोटे ऐसा ही ब्लैक चुभने वाला मास्क,
दिया था तुमने, वो ब्लैक वाला मास्क नहीं मिल पा रहा, पता नहीं कहाँ रखा है, रख दिया उसे मैंने, बट आई लाइक बहुत मास्क। उसके बाद मैं इस पन्ने में आपको फोकस करना चाहूँगा, ये छोटी छोटी वायर की रिंग्स हैं, शायद वो लड़का कोई इलेक्ट्रिशियन या आईटीआई का स्टूडेंट होगा या अपना कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, वो रोज इस रिंग को लड़की को बनाकर देता था। और देखिए कितनी सारी रिंग्स हैं ये, और वो क्या लिखती है, तुम्हें पता है मोटे सबसे अच्छी फीलिंग मेरी तब होती थी जब तुम मुझे ऐसी रिंग बनाकर पहनाते थे, लेकिन अब तुम पहनाते ही नहीं हो, मैं रोज ऑफिस से घर आके ये रिंग संभाल के रखती थी और इतनी जमा हो गई है। ये देखो बहुत सारी रिंग्स हैं, उसने सारी स्टेपल की हुई है इसमें। उससे अगली लाइन वो लिखती है, तुम्हें पता है ये लॉकेट तुम्हें नहीं देना चाहती थी क्योंकि लॉकेट तुमने मुझे गुस्से में तोड़ दिया था, इसलिए सोचा था इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी, पर आज तुम्हें दे रही हूँ, प्लीज इस लॉकेट को हार से अपने गले से पहन लेना, हार में अपने गले में पहन लेना। वो लॉकेट या तो लड़के ने इसमें से निकाल लिया है हमें जब ये बुक मिली है उससे पहले, या क्या था हम नहीं जानते, लेकिन ये लॉकेट के बारे में वो लिख रही है। और लास्ट में एक ऐसी मोमेंट वो लिख रही है, मैं कहूँगा कि इस पर आप फोकस करें, इसमें उसने अपनी सारी स्टोरी को नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वो क्या लिखती है, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे मोटे, ये लास्ट शीट सिर्फ मेरी फीलिंग्स के लिए है जो मैं लिखना चाहती हूँ, मोटे तुम्हारे साथ का हर मोमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा पल है मेरी ज़िंदगी का, अब मैं सारे मोमेंट्स को इस बुक में नहीं लगा सकती, लेकिन हाँ आंख बंद करके हर एक पल को सोचकर खुश हो सकते हैं हम दोनों ही। याद है तुमने तुम्हारे मिलने के बाद तुम्हारे पहले बर्थडे पर ऐसी बुक दी थी मुझे नहीं पता तुमने ये बुक संभाल के रखी है या नहीं, पर जिस जरूर रखना, ये लास्ट बुक है, मैं जानती हूँ तुम्हारे अगले बर्थडे पर हम दोनों साथ नहीं होंगे। अब इससे आगे देखो बहुत ही दर्द भरी फीलिंग वो लिख रही है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे से कोई और अच्छा दिन नहीं हो सकता, ये बहुत खूबसूरत पल है तुम्हारे, तुम्हें सिर्फ से दिल से दे रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ मोटे, जब तक मैं ये प्यारे से पल संभाल सकती तब तक मैंने अपने पास रखे, लेकिन अब इस साल मेरी शादी होगी, अब उस लड़की की जो है शादी होने वाली है। दर्द यहाँ से देखो, उस लड़की ने अपने सारे प्यार का इजहार जो भी था उस लड़के को दे दिया, और कितनी देखो कितनी गहरी लाइन लिख रही है वो, कि अब इस साल मेरी शादी होगी, दूसरे के घर में कहाँ और कैसे छुपा कर रख सकती हूँ, इसलिए ये सारे तुम्हें दे रही हूँ, तुम जरूर रखना इसे, क्या पता तुम्हारे अगले बर्थडे तक तुम मुझसे बात भी ना करो मेरी शादी के बाद, इसलिए इस बर्थडे पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर ऐसा हो नहीं पाया, पर कोशिश करना हाँ के लिए प्लीज, ताकि अगले साल हम दोनों साथ बैठकर ये बुक पढ़ सकते हैं, आई लव यू GMLAML। उस लड़के ने इस बुक को फेंक दिया देख के या छोड़ दिया हम नहीं जानते, लेकिन इस लड़की ने जो सारी भावनाएं अपनी इसमें लिखी हैं उसे देख के एक प्यार करने वाले को प्यार करने वाला ही समझ सकता है, इसलिए जिसने भी इस लड़के को लिखा है दोनों के लिए शब्द नहीं है, बस ऐसा प्यार है ये। धन्यवाद, बोलिए हरे के सारे की, शीश के दानी की जय हो।